वेलकम बैक गाइस, अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस यार, पिछला ब्लॉग जैसे कि आपने देखा कि हम गए थे लोटस टेंपल की तरफ, कमल मंदिर की तरफ, तो अब जा रहे हैं वहाँ से वापस। अब पहुँच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो है 8:30 बजे के करीब। रिजर्वेशन हमारी कैंसिल हो गई है क्योंकि गरीब बंदे हैं, रिजर्वेशन करवाते नहीं हैं, इसलिए जनरल में जाते हैं। तो यहाँ की मैं भीड़ अभी आपको दिखा देता हूँ कि न्यू दिल्ली के बाहर का जो अभी माहौल है वो कैसा है। गाइस यार, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो ड्रीम बाइक है R15M, आज मैंने अपनी आंखों से देख ली, आज तक देखी नहीं थी। तो ऐसी लगती है यार R15M, जो कि अपना भी ड्रीम है इसको लेने का। तो गाइस यार, ये जो बंदा है, इस बंदे ने हमेशा हमारा मतलब गलत तरीके से यूज़ किया है, हमारा बेवकूफ़ बनाया इस बंदे ने, ज़्यादा इस बंदे ने बेवकूफ़ बनाया है कि यहाँ पर ये लाइन लगी है मंदिर में जाने की। तो इसने कह दिया कि यार मैं पता करके आया हूँ, ये लाइन मंदिर में जाने की नहीं है बल्कि ये मेट्रो में जाने के लिए। यार हम कंफ्यूज़ हो गए कि मेट्रो के लिए इतनी लाइन, यार इतने दूर तक लाइन। जब हमने दोबारा पता किया तो पता चला कि ये मंदिर में जाने की लाइन है बल्कि मेट्रो में जाने के लिए नहीं है। यार इतनी गर्मी में इसने लाइन में खड़ा कर दिया, लगभग 5-10 मिनट तक हम उस लाइन में खड़े हुए थे, उसके बाद हमें पता चला। वाह यार, ऐसा ऐसा भी होता है। तो गाइज यार, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अभी यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो अभी हमें अंदर जाना है और टिकट लेनी है, उसके बाद हमें जाना है अपने घर की तरफ। तो ये आप चेक करिए गाइज, ये देखिए गाइज यार कितनी भीड़ है रेलवे स्टेशन के। अभी अंदर भी नहीं है, वेटिंग हॉल है। और अभी जा रहा हूँ मैं टिकट लेने के लिए, ऊपर चलता हूँ टिकट लेता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। तो गाइज ये टिकट ले लिया मैंने, और ये पड़ा है 510 इसका प्राइस है, और 10-10 रुपये एक बंदे के ऊपर उन्होंने 10 रुपये चार्ज लिया है जल्दी देने का, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस इसीलिए 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं उन्होंने। चलो सही है, भीड़ से बच गए। गाइस यार, टिकट हमने ले लिया और यहाँ पर जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, हम नीचे बैठ गए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है, सभी लोग नीचे बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। और कुछ खाने के लिए लेकर के आए मलिक भाई, चलो देखते हैं इसका सवाल कितने कैसा है। गाइस मलिक भाई लेकर के आए हैं ब्रेड पकौड़ा, तो अब हम खाएंगे ब्रेड पकौड़े को। ओहो, गिर गया यार, ब्रेड पकौड़ा ही गिर गया भाई। यार क्या है यार, ये देखिए, चेक करिए गाइस, मलिक भाई ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, माउंटेन स्टार ठूस रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, और अब हम भी इसको चबाएंगे। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पठानकोट। सुबह का टाइम हो रहा है 4:15 बजे, ट्रेन पूरे सही समय पर पठानकोट पहुंच चुकी है। और अभी दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं जनरल डिब्बे में ऐसी हालत हो गई है। ये है गाइस सुबह का माहौल रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट। भाई यहाँ तक तो अच्छा रहा, आप देखते हैं आगे बस कहाँ से मिलती है, कितने बजे मिलती है। तो चलते हैं अब बस स्टैंड की तरफ, और माउंटेन स्टार पीछे त्रटक्की मारते आ रहे हैं, त्रटक्की मारते। एक दिन ऐसा था कि उस दिन यहाँ से जा रहे थे, और एक दिन ऐसा है कि अब आ रहे हैं। यार ये है पठानकोट का रेलवे स्टेशन, नहीं सॉरी बस स्टेशन। तो यहाँ पर आ गए हम, अब यहाँ से देखेंगे चंबा के लिए बस कौन सी मिलती है हमें, और इसको बोलते हैं अंदर, और देखते हैं कि हमें बस कब मिलती है जाने के लिए और कब नहीं मिलती है, ठीक है। तो एक गाइस चेक करो यार, हमारी साइड ऐसी बिल्कुल सोनू बस चलती है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका कलर, बाकी पूरी उसी की तरह लग रही है। जनरल इन्फॉर्मेशन है भाई, तू कर रहे ये भाई, इधर क्रेडिट बी का वो बना रहे हैं, आईडी बना रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं विजय माल्या और
क्या कहते हैं उसका जो दूसरा लेकर के भागा उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बंदा दिन दिहाड़े क्या कर रहा है, बुरे काम करो और फिर मुंह छुपाओ अपना।